छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कथित सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले की जांच राज्य से बाहर किए जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। सीबीआई ने 29 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में यह अर्जी लगाई थी। सेक्स सीडी कांड मामले की जांच के दौरान मामले में कई अहम किरदार रहे हैं। रिंकू खनौजिया की खुदकुशी के बाद से ही सीबीआई की जांच प्रभावित हुई थी। सरकार बदलने के बाद से ही ये चर्चा थी कि सीबीआई इस मामले को राज्य के बाहर ले जाने की कवायद में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगने के बाद ये तय हो गया था कि इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो मामला है रायपुर का, उसमें ये बहुचर्चित कथित सीडी कांड मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले की जांच राज्य से बाहर किए जाने की मांग की याचिका लगाई थी। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह देखा जाए कि सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है, अब क्या कुछ अपडेट इस मामले में है? देखिए, सीबीआई ने इस मामले को लेकर याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये याचिका लगाई थी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली जो बेंच है उस बेंच में इस याचिका को लगाकर ये मांग की थी कि सेक्स सीडी कांड मामले में जो अभियुक्त हैं वो अब सरकार के अहम पदों पर काबिज है, और ऐसे में ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि इस पूरे मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। सीबीआई की इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, और न केवल स्टे लगाया है पूरे ट्रायल पर, पूरे मामले पर जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके एडवाइजर को नोटिस भी जारी किया है, और सरकार की तरफ से जो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा उसके बाद यह तय हुआ कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जिस इन्वेस्टिगेशन पर छत्तीसगढ़ में जो चल रहे इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगाई है उसे राज्य के बाहर हस्तांतरित सुप्रीम कोर्ट करेगी या नहीं करेगी, अगली सुनवाई में ये चीजें साफ होंगी। साफ तौर पर देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह सीबीआई ने जो मांग की है कि इस मामले की जांच राज्य के बाहर की जाए, ये देखने वाली बात होगी कब इस पर निर्णय आता है, कोर्ट क्या निर्णय देती है। बहरहाल आशीष, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।